गुड आफ्टरनून मैम, मैं चित्रा श्रीनी हूं ब्रांच की वाइल्ड कैटर वर्नरवल से क्लास 11 की स्टूडेंट हूं। मेरा सब टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और आज मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं। सॉलिड वेस्ट मुख्यतः चार प्रकार का होता है, म्युनिसिपल वेस्ट यानी घरों से निकलने वाला कूड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाला कूड़ा, बायोमेडिकल वेस्ट यानी अस्पतालों से निकलने वाला कूड़ा और इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कारखानों से निकलने वाला कूड़ा। आज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली समस्या है, इसलिए आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसके खराब हो जाने पर नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो वह वेस्ट या निष्प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की श्रेणी में आता है। जैसे टेलीविजन, स्कैनर, कंप्यूटर, कंप्यूटर डिवाइसेस, मॉनिटर, सेलफोन्स, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस आदि। आज हम प्रतिवर्ष 40 से 50 मिनट टेलीविजन उत्पादित कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 800 लैपटॉप प्रति सेकेंड फेंक दिए जाए। एक सर्वे के अनुसार भारत सन 2020 तक 5.2 मिलियन टन ई वेस्ट उत्पादित करने वाला देश बन जाएगा। तो जब ऐसे में भारत म्युनिसिपल वेस्ट से ठीक तरीके से निपट नहीं पा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निपटना तथा इसका समुचित प्रबंधन करना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में लेड, मर्क्यूरी जैसे लीकेज जैसे हानिकारक भारी धातु में विषाक्त रसायन, एसिड्स और नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है जो कि पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। साथ ही इसमें सोना, चांदी तथा सिल्वर जैसे कॉपर जैसे बहुमूल्य धातु भी पाई जाती है। जैसे कि 6000 मोबाइल फोन से 340 ग्राम गोल्ड, 3.5 किलो सिल्वर, 130 ग्राम कॉपर आदि पाए जा सकते हैं। इसलिए कुछ लोग आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु फ्री ट्रेड तथा सस्ते लेबर चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को विकसित देशों से अवैध रूप से मंगाते हैं तथा इसका अवैज्ञानिक तरीके से ही निस्तारण कर देते हैं। जैसे कूड़े को अच्छे ढंग से गड्ढे में डाल देना तथा खुले में जगा देना। कूड़े को अच्छे ढंग से गड्ढे में डाल देने पर इसमें उपस्थित भारी धातु में उस जगह के ग्राउंड और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करती है और इसको खुले में जला देने पर इसमें उपस्थित कार्सिनोजेंस, डाइऑक्सिन तथा न्यूरोटॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा शारीरिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जनित होते हैं जो कि पर्यावरण में ओजोन परत का क्षय कर रहे हैं। एसिड बर्न टेक्निक, इस टेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को 10 से 12 घंटे तक लगातार हिलाते हुए एसिड में रखा जाता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुमूल्य धातुएं होती हैं वो इसमें एसिड में आ जाती हैं तथा जो लोग बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग तो कर लेते हैं पर जो एसिड होता है उसको ऐसे ही नदियों में डाल देते हैं जिससे कि जलीय जीव जंतुओं का जीवन खतरे में आ रहा है और साथ ही जो जलीय सोर्सेस है वो भी गंदे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के उत्पादन को जानने के लिए हमने 20 घरों का सर्वे किया जिसके लिए हमने अपने स्कूल के स्टाफ को ही चुना जिसमें हमने पाया कि 20 घरों में 220 मोबाइल फोन, 186 चार्जर, 59 ब्लूटूथ डिवाइसेस और 48 एसी कूलर आदि वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि वे इन वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्या करेंगे तो उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। अतः सर्वे से हमें यह भी ज्ञात हुआ कि लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग तो बखूबी कर रहे हैं पर इसके समुचित रूप से निस्तारण तथा होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता भी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के समुचित रूप से निस्तारण न हो पाने का मुख्य कारण कलेक्शन सेंटर का न होना तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सख्त न होना है। बढ़ते ही वेस्ट के कारण लेस रीयूज, रिसाइकलिंग तथा लोगों में जागरूकता की कमी भी है। तो जब ऐसे में भारी धातुओं के नीचे से पर्यावरण को बचाना और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के समुचित रूप से निस्तारण के कुछ उपाय यूं हैं। सर्वप्रथम सरकार द्वारा एनजीओ की मदद से हर लोकेलिटी में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर खोले जाने चाहिए जो कि इस समय भारत में नहीं है। जब कूड़ा एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसका कुशल कारीगरों द्वारा वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के उत्पादन समुचित रूप से कुशल कारीगरों द्वारा निस्तारण करना चाहिए जैसे सिक्योर लैंडफिलिंग और इंसिनरेशन। सिक्योर लैंडफिलिंग में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को गड्ढे में डालने से पहले एचडीपीई
हाई डेंसिटी पॉलीथीन की एक लेयर लगा देनी चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को गड्ढों में डालना चाहिए, जिससे कि जो इसमें भारी धातुएं होती हैं वो लीच आउट होकर नीचे नहीं जा पाएंगी और ग्राउंड और ग्राउंडवाटर को पॉल्यूट नहीं कर पाएंगी। इंसिनरेशन, इसमें एक बंद चैम्बर में 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाया जाता है, जिससे कि इसका मास कम हो जाता है। फिर जो इससे जो फ्यूल्स निकलती हैं इसमें भी भारी धातुएं हो सकती हैं, इसलिए इसके शोधन के लिए हमने चिमनी में 3 एक्टिवेटेड चारकोल की सीट लगाई है, जिससे कि जो धुएं में कार्बन के भारी धातुएं होती हैं वो इसमें एड्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके ऊपर कैथोड लगा हुआ है जो कि धुएं में उपस्थित पार्टिकुलेट मैटर्स को निगेटिवली चार्ज कर देंगी। इसके ऊपर एनोड लगा हुआ है जो धुएं में उपस्थित पार्टिकुलेट मैटर जो कि निगेटिवली चार्ज हो चुके हैं उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो धुआं होगा उसको हम वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। और इसमें जो इंसिनरेशन रिक में जो राख बचती है इसमें भी भारी धातुएं हो सकती है, इसलिए इसके शोधन के लिए राख को पानी में डिस्पर्स करते हैं तथा इसमें नैनोफेराइट के पार्टिकल्स मिलाते हैं और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉनिक जो भारी धातुएं होती है उनको अलग कर देते हैं तथा जो पानी बचता है उसको फिर नदियों में छोड़ सकते हैं। इधर सामने देखो तुम, हाथ इधर होना चाहिए तुम्हारा, हाथ इधर। इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं और जो पानी होगा उसको फिर नदियों में हम डाल सकते हैं। और एसिड बार टेक्निक में इसको ऐसे ही पानी को जो एसिड बचता है उसको ऐसे नदियों में बहाने की बजाय हम पहले एसिड में इतना बेस मिलाएंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके बाद हम इसका पीएच चेक कर लेंगे। और जब इसका पीएच 7 मतलब न्यूट्रल हो जाए तब इसको फिर हम नदियों में डाल सकते हैं, जिससे कि जो जलीय जीव जंतु होंगे उनका जीवन भी खतरे में नहीं आएगा और पानी भी सुरक्षित रहेगा। एसिड और बेस का पीएच दिखा के दिखाओ, पूरी स्ट्रिप ने आधी आधी स्ट्रिप यूज करना, आधी स्ट्रिप। ये एसिड एसिड का जो पीएच मान होता है वो इसके बराबर है और जो बेस है इसका पीएच चेक कर लेंगे तो इसका बेस नीला हो गया, ये पीएच। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक वैश्विक समस्या तो है ही, पर यह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट का क्षेत्र कई लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि मेरा सब टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसलिए इंडस्ट्री तब तक डेवलप नहीं हो सकती है जब तक इसकी सुरक्षा का समुचित रूप से प्रबंधन ना किया जाए। इसके लिए हमने ये लगाया, अगर इसके अंदर कोई जाना चाहेगा तो हमें ये पता चल सकता है कि ये खतरे का निशान और सारे मजे लगेगा। हाँ, ये बताओ, छू के दिखाओ, इसको छूने में खतरे का साइन बजने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई इसके अंदर जाना चाह रहा है और इसको खराब करना चाह रहा है। थैंक यू।